ना ना ना, जो क्वेश्चन 15 दिया हुआ है उसको भी तो हम पढ़ा नहीं आपको, इसको मैं छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फैटी रिडक्शन का जो एक जो टॉपिक है मैं कवर करूंगा, ठीक है, नाइट्रोजन जिसको कवर करना है मेरे को, जब कवर कर दूसरा लोग उस टाइम बात कर लेंगे, इसको भी उसको भी छोड़ दे, इसको भी। ठीक है, अगला पॉइंट है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पावरफुल एक्सप्लोसिव आरडीएक्स, ठीक है, इज फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ। तो आप लोग पढ़े हो ना आरडीएक्स में क्या होता है, टीएनटी होता है, टीएनटी आप लोग बहुत नाम भी सुने होंगे। और टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे लोग, टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन का मतलब किसका नाइट्रेशन से बनेगा, तो टोलिन का नाइट्रेशन से बनेगा, सिंपल सा फंडा है आपके पास, इसका आंसर ऐसे निकालेंगे, नाम से बस पता चल जाएगा कि आपको पता होना चाहिए आरडीएक्स के अंदर क्या होता है, तो आपको होता है टीएनटी, टीएनटी मतलब ट्राई नाइट्रोटोलिन, तो टोलिन का नाइट्रेशन से बनने वाला है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं 17 का, 17 में ध्यान देना, 17 फिर से क्वेश्चन बेसिसिटी पे है, तो उसको बाद में कवर करेंगे, बेसिसिटी क्वेश्चन को बाद में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, ध्यान देना 18 पे ध्यान दो, 18 का इन्फॉर्मेशन को पहले अपडेट करो, पहले क्या गया एनिलीन को ट्रीट किया गया Br2 से, फिर उसका क्या किया गया उसको सोडियम नाइट्रेट से ट्रीट किया गया है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या है, NaNO2, NaNO2। ठीक है, उसके साथ में HCl भी है, साथ में HCl भी है। ठीक, और उसके बाद उसको किया गया टेट्राफ्लोरोबोरेट से, यानी HBF4 से, HBF4 से किया गया है, HBF4 है, इसी आइसको आप लिख सकते हो BF3 प्लस HF, HF प्लस BF3, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बोला क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो आपका एनिलीन को पहले ट्रीट किया ब्रूइंग वाटर से, आपको पता है ना कि एनिलीन को अगर ब्रूइंग वाटर से ट्रीट करते हो तो क्या बनता है, जब आप एनिलीन को ट्रीट करते हो ब्रूइंग वाटर से तो एनिलीन आपका ऐसा कुछ होता है, और इस एनिलीन को ट्रीट जब करोगे Br2 वाटर से तो होता क्या बच्चे लोग, आपका ऑर्थो पारा ऑर्थो हर जगह ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे हर जगह ब्रोमीन आ गया, एनिलीन के ऑर्थो पारा ऑर्थो यानी यहाँ यहाँ ब्रोमीन आ गया, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो ठीक है सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है तक में। अब इसके बाद बोला गया कि इसको हम ट्रीट किए किससे, NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से, यार इसका एक एक क्या करता है, इसका काम होता है जो NH2 है उसको कन्वर्ट कर देगा, इसमें BDC में कन्वर्ट कर देगा, BDC में कन्वर्ट कर देगा, तो ऊपर बन जाएगा N2, ऊपर बन जाएगा N2, N2Cl बन जाएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। लास्ट स्टेप में डाला गया HF प्लस BF3, लास्ट स्टेप में डाला गया HF प्लस BF3, HF प्लस BF3 बोलने का मतलब क्या है, इसी को वहाँ पे लिखा हुआ है HBF4, आप बोला गया HBF4, इसी को आप लिख सकते हो। इसका काम क्या होता था, जो आपका जो डाइजेनियम सॉल्ट है यानी ये जो पार्ट है इसको चेंज करके वहाँ पे F लगा देंगे, वहाँ पे F लगा देंगे, आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वैसा कुछ हो जाएगा। Br यहाँ पे क्या लगा देंगे, F लगा देंगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए। देखो तो सारा चीज आपको पता है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम ब्रोमीन डालना है, इसका काम क्या है NH2 को N2 बना देना है, इसका काम क्या है ये भी आपको पता है, तो क्या होगा जहाँ पे N2 है उसको हटा के F लगा देगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा, इसका अगर आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी है इसका आंसर होगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, यानी फ्लोरिन के 2,4,6 पोजिशन पे आपका ब्रोमीन अटैच रहेगा, आपका ब्रोमीन अटैच रहेगा। ठीक है, जनरली बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन 19 में ध्यान देना, बोला कि कंपाउंड ऑप्टेन बाय द हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमियमिन, यानी प्राइमियमिन के साथ किसको हीट किया गया, बोला गया प्राइमियमिन आपके पास है उसको हीट किया गया, चलो हीट किसके साथ किया गया है, तो बोला गया है इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन क्लोरोफॉर्म, यार क्लोरोफॉर्म मतलब और OH- है यानी बेस है, तो ये क्या देगा, तो आपको पता है बेस होगा तो साथ में क्या बनेगा, तो आपको बनेगा RNC, आइसोसाइनाइड टेस्ट बनता है, कार्बोलामाइन टेस्ट बोलते हैं आप लोग, बनता क्या है आइसोसाइनाइड बनता है, तो क्या बनेगा अल्काइल
आइसोसनेट, ठीक है, ए आ रहेगा आपके पास। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का, 20 का इन्फॉर्मेशन था, रीड करो आप लोग। 20 में क्या दिया हुआ, चलो 20 बोला हुआ है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, ठीक है, एक कंडेंसेशन टेक प्लेस इन बेंजीन डेरिवेटिव फॉर्म, दिस इज नोन एज, यार इसको छोड़ दो, अभी क्वेश्चन 20 को छोड़ दो, उसको हम बाद में करो कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 20 को छोड़ दो उसको, ठीक है। मूव करता हूँ 21, तो 21 भी किसी बेसिसिटी से है, इसको भी छोड़ देते हैं, बेसिसिटी हम लोग कवर करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करो बच्चे, आप क्वेश्चन 22 पे, क्वेश्चन 22 पे, क्वेश्चन 22 ध्यान देना, ये भी बेसिसिटी पे क्वेश्चन है, तो इसको भी आप छोड़ दो अभी के लिए। अमीन सर, अमीन वाले चैप्टर में बेसिसिटी पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम लोग आराम से कवर करेंगे, ठीक है। 23 पे देख ले, तो 23 बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, तो आप ध्यान देना यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, जो सी हटेगा और यहाँ से एच हटेगा, उसको जोड़ देना तो ये बन जाएगा, ठीक है। वेरिएशन आपके पास दिया हुआ है, आपका हम लोग पढ़े भी हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रोसेस में जो अटैच हो रहा ना, जो इसको बोलते हैं बेंजोल ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजोल ग्रुप, जो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है, इसको बोला गया बेंजोल ग्रुप। यहाँ पे मैं जो मार्क करूंगा, ये ग्रुप है बेंजोल ग्रुप। तो एनिलीन में जो बेंजोल ग्रुप एडिशन होता है ना, उसका एक नाम होता है, नाम आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, आपका रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी अमीन फुलनाइट रिएक्शन मिल जाएगा आपको, बट इसका नाम नहीं दिया हुआ है। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम क्या दिया, तो नाम पूछा हुआ आपके नीट में, नाम होता है इसका सॉर्ट एंड बॉम रिएक्शन, सॉर्ट एंड बॉम रिएक्शन, तो आपको याद कर लेना है नाम। तो जो बेंजोलेशन ग्रुप जो अटैच हो रहा है ना, ये तो पता है आपको, ये जो बेंजोलेशन जो प्रोसेस है, बेंजोलेशन प्रोसेस, इसका नाम होता है सॉर्ट एंड बॉम रिएक्शन, सॉर्ट एंड बॉम रिएक्शन, ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 23 हो चुका है, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो क्वेश्चन 24 का था, ध्यान देना, क्वेश्चन को रीड करो आप आराम से, क्वेश्चन में बोल कर, चलो तो बोला है ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड टू कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड, वन ऑफ व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अ प्रोडक्ट व्हिच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, चेक द सेकेंड वन रिड्यूसेस टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन द कंपाउंड इज, कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस से आपका एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता है, यानी वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और दूसरा जो पॉइंट है वो टॉलरेंस है फिलिंग टेस्ट देगा। तो आपको आप देखना ऑप्शन बी को पकड़ो, ऑप्शन बी को आप पकड़ो, तो बी का जो हाइड्रोलाइसिस करोगे, बी का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है बच्चे लोग, तो आप लोग उसको सोच सकते हो कि बी का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरा एक अमीन बनेगा, तीन कार्बन का अमीन बनेगा। तो अमीन जो है, अमीन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है तो नहीं देगा, और ये जो कार्बन था, ये कार्बन कहाँ जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, कहाँ जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है इकलौता एसिड होता है जो टॉलरेंस टेस्ट फेरेन टेस्ट देगा, ये फॉर्मिक एसिड आपका टॉलरेंस टेस्ट इन फेरेन टेस्ट दे सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। यानी एक 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 जो प्रोडक्ट है टॉलरेंस से फेरेन टेस्ट दे देगा, फॉर्मिक एसिड हम लोग पढ़े होंगे, आपको जब पढ़ा रहा हूँ टॉलरेंस टेस्ट उसमें बताया होगा कि एल्डिहाइड के अलावा फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस टेस्ट या फेरेन टेस्ट आपको सॉल्यूशन देगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो उससे बेस्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से आपका फॉर्मिक एसिड क्रिएट होता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके नोट्स में आपको मैं बताया था, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो उसको दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी किसी भी आइसोसाइनाइड यानी आरएनसी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, आपका आर एन एच टू बनता है, और जो कार्बन जो इन पॉइंट पे है, एक कार्बन जाता है फॉर्मिक एसिड में, कहा जाता है एक कार्बन का एसिड बनता है, एक कार्बन का एसिड बनेगा, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, बात करते हैं 25 पे, तो 25 ध्यान देना, 25 ध्यान दोगे, 25 ध्यान देना, क्या बोला हुआ है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N है,
उसको आप नाइट्रस से ट्रीट कर रहे हो तो उससे क्या बना, एक अल्कोहल बना और N2 गैस निकल रहा है, N2 गैस निकल रहा है ना। तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका अमीन का प्राइमरी अमीन होगा। अल्कोहल बनता कब, जब होता RNH2, तब होगा आपके पास RNH2। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो प्राइमरी अमीन के लिए होगा, तो फॉर्मूला प्राइमरी अमीन के लिए होगा तो आपका आपका दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका अमीन ऐसा होगा, या तो अमीन आपका ऐसा होगा। चेक, दो टाइप का प्राइमरी पॉसिबल है। बोला क्या है, ए ऑन वारिंग विद द CaCl3 एंड कॉस्टिक सोडा विच ऑन रिएक्शन गिव आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन का मतलब क्या है, आपका ऐसा कुछ बोला गया कि ये आइसोप्रोपाइल होता है और मिथाइल अमीन यानी NHCA3 ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो बोला है कि पहले ए का पहले क्या किया गया, तो पहले उसको क्लोरोफॉर्म में डाला गया, तो कौन सा रिएक्शन का बात कर रहा है, आइसोसाइनेटेस का। तो आइसोसाइनेटेस करने से क्या बनेगा, आपका RNC बनेगा और उसको फर्दर तुम रिड्यूस कर दोगे तो फिर से वो अमीन बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, ये तो पार्ट आया है NC से, ये तो पार्ट आया NC से, तो बाकी पार्ट कहाँ का, तो बाकी पार्ट जो R होगा, तो RNC में से अगर बात करेंगे तो RNC में से ये पार्ट ये यहाँ चला गया है, ये पार्ट इधर आ गया। ठीक, बाकी जो R का पार्ट है, बाकी जो ये पार्ट इधर आ गया है यहाँ पे, बाकी जो R का पार्ट ऐसा हो कुछ होगा ये वाला पार्ट, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ऐसा वाला, ये वाला होगा, यानी जो ऑप्शन ए होगा ए होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट होगा तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे, ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोला चलो 26 में आपके एसिटामाइड, तो एसिटामाइड का नाम फॉर्मूला क्या था, CH3CO2, उसको ट्रीट किया गया, उसको ट्रीट किया हुआ चलो किससे, तो बोला है कि किसे ट्रीट करेंगे मिथाइल अमीन बन जाएगा, तो आपको बोला है कि इसे ये बनाना है, तो क्या क्या डालेंगे, तो यार आपको एक कार्बन घटाना है वो भी अमाइड से, तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ऑफन ब्रोमाइड यानी NOH+Br2 होगा 26 नंबर। ठीक, 27 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 27 ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यील्ड द सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन किससे बनेगा, तो आइसो आप लोग पढ़े थे ना कि किसी भी आइसोसाइनाइड का अगर तुम आइसोसाइनाइड को तुम रिड्यूस करते हो तो बनता है सेकेंडरी अमीन, तो बनेगा आपका सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। तो आइसोसाइनाइड कहां पे दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है वाला मिथाइल आइसोसाइनाइड, इससे आपको बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। चेक, आपका 27 हो चुका है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं लोग 28 पे, ध्यान देना, तो 28 के क्या होगा, क्वेश्चन बोला कि द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द रिएक्शन, तो देखो ये रिएक्शन आप लोग आपको आपके ऐसे नोट्स में भी है, ध्यान ना, पहले स्टेप में क्या किया गया, तो फर्स्ट स्टेप में आपका AC2O डाला गया, AC2O करता क्या है चलो, तो अमीन के साथ जुड़ जाता है AC2O, तो आपका जो A होगा उसमें जो N के पास है उसमें जोड़ देना है, किसमें AC2O को जोड़ देना है। ठीक, तो उसका डाला गया Br2, तो Br2 क्योंकि पारा पोजिशन ऑलरेडी ब्लॉक है CH3 से, Br2 अटैक कहाँ करेगा, बस ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो जनरली क्या होता है पारा पे अटैक करने के लिए हम लोग उसको जोड़ते हैं AC2O को, लेकिन अब जो है फॉर्मेशन में क्योंकि ऊपर में पारा पोजिशन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, पारा में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो Br2 का अटैक कहाँ होगा, ऑर्थोपैटैक होगा, इसका ऑर्थोपेशन में Br2 जोड़ देंगे, और बाद में क्या किया गया है, बाद में हार्डलेसिस किया गया, बाद में उसका हार्डलेसिस किया गया, तो हार्डलेसिस करने से ऊपर का जो एसिड जो आप एक ग्रुप ऐड किए हो ना, कौन सा एक ग्रुप ऐड किए हो बाहर निकल जाएगा वापस Br2, यानी जो आपका बी बनेगा, तो बी वाले में ऑर्थोपैटैक होगा, बी वाले में क्या होगा, ऑर्थोपैटैक लेंगे। चेक, बी वाले में जो ऑर्थोपैटैक में बोल रहा हूँ, तो बी आपका क्या बनेगा, बी कुछ ऐसा बनेगा, तो ये ऑर्थो पे जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NHCOCH3 है। चेक, और पारा पे CH3 जुड़ा हुआ है, और हार्डलेसिस जब करोगे तो हार्डलेसिस करो तो ऊपर से जो कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप है एक ग्रुप हट जाएगा आपका, ये ग्रुप आपका हटेगा। ठीक है, ये ग्रुप हटेगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा वापस NH2 आ जाएगा, वापस NH2 आ जाएगा, और उसका ऑर्थो पे ब्रोमीन रहेगा और पारा पे क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा।
तो भारत है मिथाइल ड्राइवर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, देख लो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ये हो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हम बात करें, चलो मैं 29 पे तुमने ऐसा ना कि आपको गेनाड रिएजेंट यूज किया गया है, गेनाड रिएजेंट यूज किया गया है तो यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे क्या, चलो साइनाइड है, साइनाइड पे अटैक करेगा क्या बनेगा, उसका हार्डलेसिस भी कर दिया गया, मतलब उसमें एसी भी डाल दिया, मतलब इसमें डाल दिया गया वाटर, तो ऊपर साइनाइड पे अटैक करके आप लोग पढ़े हो गए, गेनाड में क्या बनता है, सी ओ सी थ्री बनता है, और मेटा पे ओ सी थ्री जोड़ देना, आपका आंसर ऐसा कुछ होगा, आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, यानी आपका हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका इधर पे कुछ रिएक्शन होगा नहीं, उसको तो चेक कर लेते हैं, और आप लोग वेट करोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी और डी क्या दिया हुआ है, हाँ तो सारे जगह ओसीएस तक दिया हुआ, तो हमको उससे ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम मैं सोच रहा था इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है किस पे, इथर पे, इथर मतलब किसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका बात कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि सारे जगह इथर दिया हुआ है तो कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं था, ठीक है। इथर सारे जगह दिया हुआ ना, तो हर जगह इथर है, इथर अगर सारे जगह दिया हुआ तो हमको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इधर आप, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें आपका दिया हुआ क्वेश्चन 30 बना देना, तो 30 नंबर थोड़ा सा मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का जो मैकेनिज्म उससे क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसको भी छोड़ देते हैं, जब मैकेनिज्म पढ़े तो फिर से बनाएंगे इसको, क्वेश्चन 30 को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये किससे लिंक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड के मैकेनिज्म से क्वेश्चन लिंक है, आंसर बताओ तो आंसर बता हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बोला कि इंटरमीडिएट मेरे को बताना है, इंटरमीडिएट जो बताना होगा तो उसमें आपका एक बनता है आर एन सी ओ बनता है, ठीक है, एक तो ये बनता है और एक आपका ये बनता है, तो ऑप्शन इसका दूसरी होगा ये होगा, लेकिन इसको हम लोग कवर करेंगे आपके लिए, जिसका मैकेनिज्म मैं डील कर दूंगा, तो आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 31 क्या बोला गया है, एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, किस रिएक्शन बनता है, आपका कार्बोलामाइन रिएक्शन से बनता है, आपका आइसोसाइनाइड किससे बनेगा, कार्बोलामाइन रिएक्शन बनता है, ठीक। क्वेश्चन बात करता है 32 का, 32 ध्यान देखो बोला गया फॉलोइंग सीक्वेंस, कंपाउंड ए है उसका रिडक्शन किया गया 32 में, यानी कंपाउंड ए का क्या क्या रिडक्शन किया गया है, उसका नाइट्रोसिस डाला गया, तो यहाँ पे देखो अल्कोहल आ गया है, आपको पता है कि हम लोग प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनता है, तो प्राइमरी अमीन से NH2 हटा के OH लगाते हैं नाइट्रोसिस डालने के बाद, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे OH लगा होगा उसके बदले आप NH2 लगा दोगे, तो जो बी होगा बी में सेम चीज होगा, बस OH के बदले क्या होगा NH2 होगा, तो बी क्या होगा, दो कार्बन का अमीन होगा बी, और बोला है उसको, और ये कंपाउंड ए के रिडक्शन से बनता है, तो कंपाउंड ए से बनेगा मतलब कंपाउंड ए में भी दो कार्बन होना चाहिए, तो दो कार्बन का अमीन किससे मिलेगा मेरे को, तो देखो यहाँ पे इससे तीन कार्बन का अमीन मिल जाएगा, इसका रिडक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे को डी लग रहा है, CH3CN आप लोग पढ़े हो ना साइनाइड का हेड, तो CH3CN, तो CH3CN का अगर तुम रिडक्शन करते हो तो बनता है CH3CH2NH2 बन जाएगा, वही तो बी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का अगर हम बात करें, चलो तो 33 का आप रीड कर, क्वेश्चन रीड करना है, बोला गया एनिलीन एक्टिवेटेड सिस्टम फॉर द एल्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना यार, Ac2O डालने से क्या बनता है, Ac2O क्या करता है एनिलीन का कहाँ पे अटैक करेगा, रिंग को अटैक करता है, एनिलीन पे अटैक करता है, वो रिंग में अटैक नहीं करेगा, कहाँ अटैक करता है, वो एनिलीन के H को हटा के COCl से जोड़ देते हैं, लो ये पढ़े हुए आपके पास, यहाँ पे इसका H हटा के COCl को जोड़ देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इवन आपको नोट्स में भी समझाया हुआ है, आप लोग पढ़े हो गए, यहाँ ध्यान देना, ये जो कन्वर्जन मैप है उसमें भी आपको दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ तो ध्यान देना,
बताता हूँ आपको। यहाँ तो ध्यान, यहाँ देखो, यहाँ पे अब इस एरिया को देखो, यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे देखो लिया हुआ ना ये चीज, ये चीज यही तो है। एमिनो को डालने Ac2O, Ac2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, यही तो क्वेश्चन से पूछा गया था। चेक, ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर क्या 33। क्वेश्चन 34 का बात कर रहे हैं, विच इज फॉर्म विद एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल इज हार्ड लाइक पार्शियली विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्वेश्चन 34 का इन्फॉर्मेशन पहले समझो आप कि एसिटोनाइट्राइल का मतलब क्या होता है, CH3CN, ये होता है एसिटोनाइट्राइल, तो ये आपको पता होना चाहिए। चेक, अब एसिटोनाइट्राइल में आपको सॉल्व क्या कर, इसमें बोला गया पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता क्या मतलब एसिड बनता है, लेकिन जब हाइड्रोलाइसिस पार्शियल बोलते हैं तो आपको लोग मैं बताया हूँ कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा, अगर ये पार्शियल होगा हाइड्रोलाइसिस तो प्रोसेस आपका अमीन अमाइड पे स्टॉप करता, आपका प्रोसेस अमाइड पे स्टॉप करेगा, यानी आपका ए अमाइड बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया, पार्शियल बोला गया है, पार्शियल मतलब क्या होगा, अमाइड पे स्टॉप करेगा, तो देखो कि अमाइड कहाँ पे किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन 34 का जो ऑप्शन होगा अमाइड, उसको देख लो आंसर, चलो 34 का ऑप्शन अमाइड कहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको अमाइड कौन सा, ऑप्शन बी, ये आपका अमाइड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बात करें 35 का, तो 35 में क्या बोला गया है, एसिटामाइड और इथाइलामिन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो एसिटामाइड क्या होता है, एक अमाइड होता है, और इथाइलामिन क्या है, एक अमीन है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, चलो हम लोग तो ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे अगर आप डाल दोगे इसको एक्वस HCl प्लस हीट कर दोगे, तो यार HCl क्या होता है, HCl एसिड होता है, HCl एसिड होता है और इथाइलामिन क्या होता है, बेस होता है, तो इससे दोनों आपस में रिएक्शन हो जाएगा, HCl प्लस बेस का रिएक्शन हो जाएगा, एस्टामाइड बेस एसिड बेस नहीं है, तो उसे रिएक्शन क्या करेगा, नहीं करेगा, इस तरह से कहीं ना कहीं आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, बाकी मुझे देखना तो क्या ऑप्शन बाकी और ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे चेक करना एक बार, Br2 वाटर तो नहीं होगा, एक्वस NOH और हीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्वस NOH और हीट भी मे भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा आपको, तो इसको थोड़ा छोड़ दो, इसमें और रिसर्च करके बात करेंगे, इस पर 35 पे थोड़ा रिसर्च करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, इसे मोर देन वन ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, 36 का बात करते हो, चलो तो क्वेश्चन 36 पे आ जा, तो 36 में क्या बोला गया, कार्बोलामिनेशन वी नीड हॉट अल्कोहलिक केज, और क्या चाहिए हमको, तो अल्कोहलिक केज के अलावा और क्या मिलना चाहिए हमको, चलो तो प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड अमाउंट द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन टू फिनिश प्राइमरी अमीन, तो यार किसमें होता है, अमाइड में होता है, अमाइड कौन सा है, ये आपका अमाइड है, तो सी में ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चेक, ये हो गया क्वेश्चन 37। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, तो 38 में कौन सा रिएक्शन है, कपलिंग दिया हुआ है, 38 में क्या दिया हुआ, कपलिंग रिएक्शन दिया हुआ है, कपलिंग हम लोग पढ़े हो, कपलिंग, कपलिंग में क्या होता है, कपलिंग में कहाँ अटैक करता है, पारा पे अटैक करता है ना, तो एलो डाइजा मतलब तो पारा पे अटैक करता है, आपको पढ़े हो, पारा पे अटैक वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा पारा पैटैक वाला ऑप्शन कौन सा, आपका डी है, आपका ऑप्शन डी है, 38 का क्या होगा आंसर, तो 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर क्या होगा, चलो डी हो जाएगा। अब बात करता हूँ लोग 39 का, 39 को क्वेश्चन को रीड करो, 39 में क्या बोला हुआ है, Which of the following will most stabilize diazone salt? तो diazone salt सबसे stable गैस का होता है, तो पता है कि जब N2 गैस बाहर नहीं निकलेगा, N2 गैस बाहर कब नहीं निकलेगा, जब cation unstable होगा, तो cation unstable होगा, तो ये टूट के बाहर नहीं निकलेगा,
जनरली क्या होता है कि अल्काइल में अगर N2 जोड़ दोगे ना N2X ये बाहर निकल जाता है, क्यों? ये R कटायन बन सकता है, R कटायन बन सकता है इसलिए बन सकता है। लेकिन अगर बेंजीन से जोड़ दोगे PHNH2 तो ये N2+, तो ये नहीं निकलता बाहर, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो कटायन बनेगा बेंजीन का वो पॉजिटिव बनेगा, इंटर बॉन्ड का वो पॉजिटिव बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल है, जो कि हाईली अनस्टेबल है तो ये बनेगा नहीं, यानी ये चीज स्टेबल रहेगा, ये चीज स्टेबल रहेगा। तो देखो पीएच N2+ कहाँ दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जो कि स्टेबल है, क्योंकि इसे N2+ अगर निकाल देंगे तो आपका जो कटायन है हाईली अनस्टेबल होगा, कटायन क्या होगा हाईली अनस्टेबल, जो कि फॉर्म नहीं करेगा, जो कि फॉर्म नहीं करेगा। ये हुआ था बी का। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करें बच्चों हम लोग 40 पे। क्वेश्चन तो 40 है, ध्यान आएंगे। इन द रिएक्शन आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ और वहां से आपको N2 आपको डाइजेशन सॉल्ट हटाना है, इसको आपको हटाना है, इसको हटाना है, उसके लिए कौन सा रिएक्शन होता है आपको डालना होता है H3PO2+H2O। सिंपल सा चीज है, BDC से बेंजीन जाने के लिए पढ़े हो ना, हम लोग पढ़े हो गए, आपके नोट्स में होगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे नोट्स में है, तो आप देखना यहाँ पे, देखना आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे ये N2CL है, उसमें डाल दिया H3PO2H2O, क्या करेगा ऊपर का N2 हटा के वापस H लगा देगा। वही तो वहाँ पे पूछा हुआ है, मतलब तो उसने फिगर में और भी कुछ जोड़ दिया है, अल्टीमेटली तो क्वेश्चन वही था ना, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो वही है, उसे N2CL को हटा के H को जोड़ना था, तो क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखोगे 41 में क्या बोला गया है, तो नाइट्रोबेंजीन ऑन द रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड H2O4 एट 1800 डिग्री फॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यार नाइट्रोबेंजीन का बात करें तो नाइट्रोबेंजीन का बात करो चलो, तो नाइट्रोबेंजीन में कैसा होता है, तो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, -M ग्रुप होता है, तो ये इसका -M ग्रुप रहेगा, -M ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल उसको कहाँ भेजेगा, मेटा भेजेगा, उसमें फिर से नाइट्रेशन करेंगे, तो अगला नाइट्रेशन करने पे आपका जो अगला नाइट्रो ग्रुप होगा वो कहाँ जोड़ेंगे, उसको फिर से मेटा पे जोड़ेंगे, तो आपका एक नाइट्रो ऊपर रहेगा, उसका दूसरा नाइट्रो उसमें मेटा पे आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene। ठीक है, हो जाएगा 41। ठीक है, बात करते हैं 42 का, तो 42 को छोड़ देना अभी, 42 अभी आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं हूँ, उसे छोड़ दो, उसको भी आप छोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं लोग 43 पे, ध्यान देना, 43 है, उसे बोला गया कि कौन सा एनिलीन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अ कलर प्रोडक्ट, किसमें कलर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है यार, कलर प्रोडक्ट मतलब डाय होता है, आपको पढ़े हो ना, डाय होता है। ठीक है, तो डाय तो आपको दिख रहा होगा कौन सा, तो आपको देखो यहाँ पे कहीं नहीं कि आप लोग पढ़े हो ना, इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अ कलर प्रोडक्ट, तो कलर प्रोडक्ट देखोगे तो आपको इसमें अगर मैच करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। ठीक है, सी देखो तो सी कपलिंग टाइप का रिएक्शन प्रोडक्ट है, कपलिंग जैसा रिएक्शन, आपका यहाँ पर एनिलीन है और एनिलीन के क्या होगा पारा पोजिशन पे आपका आपका बीडी से जुड़ गया है, बीडी से जुड़ गया है, उसमें एक्स्ट्रा मिथाइल है बट उस टाइप का ही चीज है, तो ये भी एलो डाई की तरह हो सकता है, मे बी इसका ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका आंसर हम लोग चेक कर लेंगे, तो 43 के लिए सी बोल देंगे हम लोग भी। ठीक है, तो यदि आप देख रहे हो ना ये कपलिंग जैसा जब कुछ चीज दिख रहा होगा, इसलिए हम उसको इसका आंसर सी बोल रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, मेरी बात करें लोग 44 का, ध्यान देना, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क H2O4 इन द मिक्सचर। ठीक, नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ध्यान देना, नाइट्रेशन का नाइट्रेशन मिक्सचर में जो नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है बेस की तरह काम करता है, आप लोगों को मैं बताया था शुरू में ही, नाइट्रिक एसिड का काम होता है बेस की तरह, और उसमें जो H2O4 होता है एसिड की तरह, H2O4 अपना H+ लूज करता है, H+ लूज करेगा उसको यहाँ पे ये HO जो नाइट्रिक एसिड का जो ओ है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे वाटर निकाल देते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा ऐसा कुछ बन जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटॉन एक्सेप्टर है नाइट्रिक एसिड,
और उसके बाद क्या होगा, वाटर निकाल दो तो वाटर निकालने पे क्या बनेगा, NO2 प्लस NaL5 जनरेट करेगा। तो कहने के प्रोसेस में आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या कैसे काम कर रहा है, जो बेस की तरह। नाइट्रिक एसिड क्या होगा तो हम बेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन 45 पे। जो क्वेश्चन 45 का बात कर रहे हैं तो देखो पहला स्टेप में क्या किया गया है, डायोडेशन क्या क्या है, यानी बीडीसी बनाया गया, बीडीसी बनाया गया है। उसका क्या किया गया, सीओसीएन। तो सीओसीएन क्या करेगा, बेंजीन के बेंजीन में क्या लगा देगा, सीएन लगा देगा, क्या लगा देगा, सीएन लगा देगा, बेंजीन पे सीएन लगा देगा। अब क्या करोगे उसमें, एस टू ने क्या रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस करोगे तो कैसा बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका अमीन बन जाएगा। कैसा अमीन बन जाएगा, तो ऐसा अमीन बन जाएगा, सी एस टू एन एस टू। तो कहने की अल्काइल अमीन है, उसमें डालो, इसमें डालो आप नाइट्रस एसिड। तो क्या बोलते हैं, जब भी आप डालते हो आर आर एन एस टू में, आर एन एस टू में डालते हो आप नाइट्रस एसिड तो क्या बनता है, अल्कोहल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्कोहल बना दिया आप, यानी क्या बना, यहाँ पे आर ओ एच बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एन एस टू हटा के क्या लगा ओ एच लगा देंगे, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दी, ये होगा आपका 45 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में करता हूँ बच्चों को 46 पे। जब 46 का बात करते हैं ध्यान देना, तो बोला कि एनिलीन को डायटाइज किया गया है कोल्ड एंड ट्रीट विद डाइमिथाइल एनिलीन। डाइमिथाइल एनिलीन पे क्या बनेगा, ठीक है, तो बोला एक कलर कंपाउंड बन रहा है। तो यार ठीक है ना, तो पहले एनिलीन को डायटाइज किया तो उसमें क्या बनेगा, बीडीसी बनाया होगा। अब यहाँ पे जो बीडीसी है, बीडीसी जो है बीडीसी को अटैक करवा है इस टाइप में, यानी यहाँ पे डाइमिथाइल एनिलीन है, उसका पारा पे अटैक कर लेगा। पारा पे अटैक करेगा तो क्या होगा, आपको जो कंपाउंड है कुछ ऐसा बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो ये आपका इस तरह सी बन सकता है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 46। 47 का बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। 47 में क्या है, तो एक एक को रिड्यूस किया गया है और एक उसको बी बना है। बी का फिर क्या किया गया है, CH3 एंड KOH, कौन सा रिएक्शन है, कार्बोनिल रिएक्शन है, उसको फर्दर रिड्यूस किया गया है। तो आपके पास क्या है, N मिथाइल एनिलीन बना है, यानी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा है। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर ऐसा है, ऐसा, इसका मतलब तो C होगा आइसोसाइन। तो C क्या होगा, तो C हम बता दे रहे आपको, तो C आपका ऐसा होगा, CNC होगा, CNC होगा। तो C, तो B क्या होगा, B का कार्बोनिल से C बना, तो B होगा आपका NH2 प्राइमरी में, होगा B। तो B हो गया, C हो गया और लास्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो A क्या होगा, तो कहने के A होगा नाइट्रोबेंजीन। किसको रिड्यूस करने से एनिलीन बनता है, आपका जो ए होगा ये हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करोगे तो आपका बी बन सकता है, बी मतलब एनिलीन बन सकता है, आपका एनिलीन बन सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट मूव करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट पारा मिथाइल बेंजीन डायजेनोस क्लोरीन इनटू पारा क्रेसोल। पारा क्रेसोल का मतलब समझो, इसमें आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। चलो कॉमन नेम नहीं पता रहा तो फिर मुश्किल हो जाओगे। तो आपको कन्वर्ट कहाँ करना है, तो आपको इसको यहाँ पे ऊपर बीडीसी है और नीचे में क्या सी एस थ्री है, इसको कन्वर्ट करना कहाँ, तो इसको यहाँ पे ओ एच लाना है। क्या लाना है, चलो ओ एच लाना है, यहाँ ओ एच लाना है, इसको बोलते हैं पारा क्रेसोल। ओ एच लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें डालेंगे बीडीसी को ओ एच में डालेंगे, क्या हॉट वाटर। तो हॉट वाटर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला H2O, हॉट वाटर, हॉट H2O। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 48। ठीक है, क्वेश्चन जो 49 है, बोला गया डाइजो कपलिंग। तो डाइजो कपलिंग से हम लोग क्या बताया, डाई बनाते हैं, ऑप्शन क्या होगा, सर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इससे अपना नीट का सारा क्वेश्चन लोग खत्म कर लिए, कौन से चैप्टर का, अमीन चैप्टर का नीट का सारा क्वेश्चन अपना कवर हो गया, एक्सेप्ट जीओसी का क्वेश्चन। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं हम लोग पढ़े हैं, उसको छोड़े हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग 70% क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा
तो मैं नेक्स्ट सेशन का लिंक शेयर करूंगा, आप लोग 11 बजे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? एक और क्लास लेते हैं तो उसमें लोग कवर कर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन सब क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।